आज हम लोग पिजन का जो है वो एक नया कुकर है उसको हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। इस कुकर को देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से रैप किया गया है और इसको हम लोग आज काटते हैं और काट के देखते हैं कि आज के लिए ये कैसा है। तो चलिए इसे अब हम लोग काटते हैं। अगर इसको देखें तो बहुत अच्छे से ये रैप है, मतलब बरसात से बचाने के लिए बड़े अच्छे से कंपनी ने भेजा है। ठीक है, अब चूँकि आजकल बरसात का मौसम है तो अच्छे से पैक करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग काटते हैं इसे। तो पहले कोशिश करते हैं कि अगर ये फट जाए अच्छे से तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा देखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है लेकिन खुल जाएगा ये। अब देखिए इसे हम लोग खोल रहे हैं, ये कई परतों में लग रहा है कि लपेटा हुआ है। ये धीरे धीरे एक एक परत जो है वो खुलते चली जा रही है। बहुत ही पैकिंग का ध्यान रखा गया है, अच्छा पैकिंग का। देखिए धीरे धीरे कई परतों में है, खुल रहा है और ये खुलते खुलते आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। अब हम लोग का ये जो है बॉक्स बाहर आ चुका है। ये है उसका इनवॉइस जिसमें कि मेरे नाम से है और इस पर जो प्रिंट है पैसे का वो भी छपा हुआ है। ये 9499 अर्थात 949 रुपये का ये बिल है। ठीक है, इसे हम लोग साइड रखते हैं। अब चलिए मेन जो बॉक्स है इसे हम लोग ओपन करते हैं। तो इसके पहले देखिए ये जो फोटो इस पर दिया गया है कि दो कुकर है जिसका कि लिड जो है वो एक ही है। ये दो और तीन जो है कि कुकर है, 2 लीटर का और 3 लीटर का। अब खोलते हैं इसे, पहला कट, फिर उसके बाद इधर से करेंगे दूसरा कट और ये बीच से कट। देखिए बक्सा मैं ओपन कर रहा हूँ, इसमें सजावटी ये ऊपर जो है ये लीड है जो कि कॉमन लीड है दोनों का, दो और तीन दोनों जो लीटर के जो प्रेशर कुकर हैं उसके लीड है। ये है स्पेसिफिसिटी, इस पर देखिए पिजन का लोगो बना हुआ है और ये लोगो बता रहा है कि यह ओरिजिनल है। ये जो कागज है ये यूजर मैनुअल है तथा वारंटी कार्ड है। तो एक ही में दोनों बना दिया गया, इसे हम लोग बाद में देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, तो इसे हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसे साइड रखते हैं। अब मेन इसके अंदर जो है वो हमारा मैटर है, ये जो है वो लगता है कि 2-3 लीटर वाला है और ये जो है 2 लीटर वाला है। दोनों को देखें हम लोग तो ये बड़ा वाला जो मेरे बाएं हाथ में है वो बड़ा वाला है 3 लीटर वाला और ये छोटा वाला 2 लीटर वाला। आइए इसे जरा हम लोग खोल के देखते हैं कि ये कैसा है। ऐसे रैपिंग तो काफ़ी अच्छी की गई है, प्लास्टिक से अच्छे से ध्यान रखा गया है कि कहीं इसे लॉक कुछ ना लगे। तो निकालते हैं इसे, देखें तो ये निकलने के बाद देखिए काफ़ी चमक रहा है। ये जो बॉडी है ये बनाया गया है इंडक्शन के लिए, तो ये इंडक्शन पर तथा गैस पर दोनों पर ही काफ़ी अच्छे से ये काम करेगा और इस पर भी पिजन का लोगो बना हुआ है। अब ये जो 2 लीटर वाला है ये भी अच्छा है, इस पर भी देखिए पिजन का लोगो बना हुआ है जिसके कारण ये भी जो है बड़े अच्छे से काम करेगा और इस पर भी इंडक्शन बेस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जरा इसको देखते हैं कि आगे ये किस तरीके से करेगा। तो ये 2 लीटर, ये जो 3 लीटर वाला है, ये 3 लीटर वाला है चूँकि बड़ा है, इसके अंदर देखा जाए तो बहुत इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग साइड रखते हैं और अब हम लोग आगे हम लोग जो क्या करते हैं कि एक एक को खोल करके फिर से देखेंगे कि कैसे वो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो पहले हम लोग ढक्कन लगाकर देख लेंगे कि ये जो ढक्कन है वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो ये ढक्कन है, इसमें देखा जाए ये अंदर की तरफ ये जो है वो रबड़ है, काफ़ी अच्छा रबड़ लगा हुआ है और इसको हम लोग इस तरीके से सेट करते हैं। इसमें 6 जो है लॉकिंग पॉइंट है, ये लॉकिंग पॉइंट के थ्रू हम लोग सेट करेंगे। लॉकिंग पॉइंट पर जो है कि लगा देना है और फिर उसके बाद थोड़ी तेज़ी से जो हम लोग को इसको जो है दबा देना है तो ये बहुत अच्छे से ये लॉक हो जाता है। थोड़ा सा इसमें चूँकि पहली बार ये इसको बंद किया जा रहा है तो थोड़ा सा इसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको प्रेशर लगा करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर पहले में लगाते हैं और फिर इसको हम लोग ये जो है वो
लॉक करेंगे। इसको कभी भी उल्टी दिशा में नहीं करना है, हमेशा ये दाहिने, देखिए उल्टी दिशा में कर रहा था तो नहीं लॉक हुआ। तो हम लोग करेंगे क्या इसको कि अब हम लोग दाहिने से बाएं की ओर, उसमें देखेंगे एक सिंबल बना हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दाहिने से बाएं की तरफ, हाँ देखिए भी दाहिने की तरफ मैंने रखा है अपने राइट साइड में लीड के लीड को, और फिर उस पर ये मिलाएंगे हम लोग उसके ढक्कन से, और फिर देखिए ये जो सेट किया जा रहा है किस तरीके से, तो ये सेट करने के अनुसार से हम लोग इसको मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद थोड़ा सा प्रेस करते हुए नीचे की तरफ और इसको घुमा दिए, और ये खूब अच्छे से लॉक हो गया। अब ये बड़े अच्छे से लॉक हो गया है, अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा डुलेगा। तो ये हो गया हमारा सेट जो है कि वो 3 लीटर वाला जो है कुकर, ये बड़े अच्छे से लॉक हो गया। इसमें देखिए कितने सारे लॉकिंग पॉइंट दिए गए हैं, लगभग ये 6 लॉकिंग पॉइंट है। ये काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, टन टन की आवाज़ भी करता है। अब ये सीटी है जो कि इस पर लग जाएगा, और सीटी जो है लगा करके कुछ नहीं करना है, गैस पे बैठा देना है। जो भी इसमें हम लोग आज खाना बना कर देखेंगे इसमें किस तरीके का खाना बनता है। सबसे पहले तो मीठा बनता है हम लोग के यहाँ, तो आज हम लोग कुछ मीठा ही बनेगा, तो देखा जाए। अब इसमें 6 लॉकिंग पॉइंट जो है वो कुल दिख रहे हैं, तो इसे अब हम लोग, ये थोड़ा हल्का भी है क्योंकि ये 3 लीटर का ही है, तो 5 लीटर के मुकाबले तो हल्का ही है। ये जो है वो 2 लीटर वाला है, तो 2 लीटर वाले को भी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा उसमें भी ये जो कॉमन लीड जो दिया है इसको हम लोग लगा कर देखेंगे। तो पहले 3 लीटर वाले से निकाल लेते हैं। अब आइए चलते हैं 2 लीटर वाले को ओपन करते हैं। 2 लीटर वाले को हम लोग निकालते हैं और फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे दाहिने से बाएं की तरफ, और इसमें भी थोड़ा वही कोशिश करेंगे क्योंकि पहली बार लगाना पड़ रहा है, थोड़ा दम लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम लोग बैठा देंगे, और ये इस तरीके से ये सेट हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके से ये भी सेट हो गया है, ये भी इंडक्शन फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे से इसकी मजबूती दी गई है, तो बड़े अच्छे से ये काम कर रहा है। और ये भी इसमें भी धज हम लोग कुछ बनाएंगे और देखेंगे कि कैसा बनता है। इसका वो एक बहुत अच्छा उपयोग है कि चूंकि 2 लीटर के होने के कारण इसको हम लोग सस्पेंड की तरह भी यूज़ करते हैं। अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब भी।